एडिविजन टीचर, कल से मैं इसको घूमूंगा जगराज राजभवन पदस्थ हूँ। मेरा सब्जेक्ट है कि छत्तीसगढ़ में हमारी नारियों की भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका कैसी रही है, इस पर मुझे फोकस करना है। अभी हमने बहुत भाइयों बहनों से सुना कि बुंदेलखंड की महिलाएं, बिहार की, राजस्थान की, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की हमारी बहने, नारी शक्ति जो है अपने घर के लिए, समाज के लिए, देश के लिए स्वयं संघर्ष कर रही है। मैं आदरणीय विद्युजनों को बताना चाहूंगी कि मैं 2015 से नारी शक्ति सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही हूँ। राजनांदगांव जिले में जितने भी नक्सलवादी क्षेत्र हैं, मानपुर, मोहला, चौकी, चूलिया, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, उस पर मैं समर कैंप का आयोजन करती हूँ, जिसमें 6 दिवसीय और 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन करती हूँ। वो भी निःशुल्क होता है, जिसमें हमारी बहनें बेटियां आती हैं और उसमें उस समर कैंप में हमारे जो है कानून से संबंधित जो कौन कौन से अधिकार है हमारी बहनों को, बेटियों को। आज हम देखते हैं कि हमारी बहनें बेटियां जो है सुरक्षित नहीं है, न घर में, न परिवार में, न समाज में। तो उनको कानून, उनका कौन कौन सा अधिकार है, कानून है, उनको जानना जरूरी है। इसके लिए मैंने अपने राजनांदगांव की पुलिस अधीक्षिका श्रीमती सुरेशा चौबे को, महिला कानून एडवोकेट है, उनको मैंने आमंत्रित किया था। इसके अलावा अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड करवाया सभी बहनों बेटियों को, ताकि वो अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड करके कहीं भी यदि वो असुरक्षित महसूस करती हैं, तो वो उस ऐप को टच करते ही उन पर सुरक्षा अधिकारी कर्मचारी जो आकर के उनको बचा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आप जब अंदर जाते हैं तो बहुत सारा स्व का संघर्ष चल रहा है। हम शहरों में तो बहुत सब ठीक है, बहनों की स्थिति, हमारी बेटियों की स्थिति, लेकिन अंदर हम जाते हैं तो बहने जो उनको पता नहीं है कि उनकी स्थिति, उनका जन्म हुआ है, वो सिर्फ न शिक्षा है, न मतलब वो कानूनी उनको जानकारी है, बस कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, दहेज है, नशा है। आज हमारे भाई जो बहने जो है नशा के, हम भले स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन नशा आज हमारे युवकों को गुलाम बनाते भी जा रहा है। हमारा भारत देश जैसे हमारा युवा होगा, हमारा देश भारत देश वैसा ही होगा। तो मैं अपने बात संक्षिप्त में कहते हुए बताना चाहूंगी कि नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति। महात्मा गांधी, मोहनदास महात्मा गांधी कैसे बने, अब उनकी माँ पुतली बाई के द्वारा। शेरों के नाक गिनने वाले भरत को जन्म देने वाली हमारी नारी शक्ति थी शकुंतला। क्या कहते हैं, बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन, जो बहुत ही मंदबुद्धि के बच्चे थे, उसको उनकी माँ ने उनको सकारात्मक संदेश देते हुए उनको तपस्या साधना करके महान वैज्ञानिक बनाया। तो मैं कहना चाहूंगी नारी, आइए हम एक नारा लगाते हैं, जाग गई भाई जाग गई, बोलिए आप, नारी शक्ति जाग गई, जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई, घर की शक्ति नारी है, बोलिए, घर की शक्ति नारी है, परिवार की शक्ति नारी है, समाज की शक्ति नारी है, देश की शक्ति नारी है। समाज के रूप में हम जब देखते हैं, समाज में मूढ़ मान्यता को खत्म करने के लिए सावित्रीबाई फुले उसके अनुदान को कोई भुला नहीं सकता, उनके सहयोग को, उनके समर्पण को, उनके त्याग को कोई भुला नहीं सकता। उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, अंडे फेंके जाते थे, वो 2 साड़ियां लेके वो जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। और उस समाज में उस समय मान्यता था कि जो पढ़ी लिखी लड़की से शादी करेगा उस पति जो उसका मर जाएगा। वो अपने ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले दोनों जाते थे समाज में और बताते थे कि आप देखिए पढ़े लिखे हम लोग को कुछ नहीं हो रहा, मेरे पति अभी भी जिंदा है। ऐसा कर करके उन्होंने समाज को बालिका शिक्षा के लिए समाज को आगे बढ़ाया। अब हम देखते हैं और हमारे इसमें विलासाबाई केवटे, जिसका नाम बिलासपुर पड़ा है, जिसी के नाम थे, उन्होंने राजा कल्याण साय को, जो रतनपुर जनपद के राजा थे, उनको उन्होंने शेर के आक्रमण से उन्होंने एक तीर चला करके उसको बचाया था। तो राजा कल्याण साय ने घोषणा की कि उसका नाम उसी के नाम पर, बिलासपुर का नाम रखा जाएगा, और उन्होंने एक तलवार चांदी का तलवार देके उनको सम्मानित किया। इसके अलावा हम देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जो है महिलाओं की राष्ट्रीय आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका जो थी, महात्मा गांधी का प्रभाव भी था कि यहाँ एक वो छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेताओं के परिवार की महिलाएं, जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल की पत्नी भवानी बाई,
शुक्ल डॉक्टर खूबचंद बघेल की माता श्रीमती केकती बाई बघेल आदि थी, तो दूसरी ओर सामान्य वर्ग से आई मीराथा बाई नेतृत्व दे रही थी और मंटोरा बाई केकती बाई ने आदि ने सबने अपनी गिरफ्तारी दी। ये सभी महिलाएं सत्याग्रही थी और ये मंदिर और मस्जिद में मंदिर और मठ में जाकर के एकादशी के दिन व्रत का बहाना करके वो जाती थी और वहां पर अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए व्रत संकल्प करती थी वहां पर एकादशी का बहाना करके। तो इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ और हमारे पूरे देश में हम देखते हैं कि 5000 साल पहले भी कैकेयी आदरणीय माता कैकेयी ने राजा दशरथ के जब वो देवस्व संग्राम में गई थी तो उन्होंने रथ का पहिया अपने उंगली में डाल करके उस देवस्व संग्राम में राजा दशरथ की को विजय दिलाया था। तो नारी शक्ति जो है आदि काल से चला रहा है और वो अंत तक चलेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, नारी का सम्मान होगा। उनके लिए दो लाइन में कहना चाहूंगी कि शक्ति साधना बिना न बनता बिगड़ा कोई काम, शक्ति साधना बिना न बनता बिगड़ा कोई काम, नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, सत सत तुम्हें प्रणाम, सत सत तुम्हें प्रणाम।